अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा सेकंड लेक्चर कंप्यूटर साइंस, टॉपिक हमारा डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। आज हम अपने आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर के मज़ीद जो जैसे स्टेप बाय स्टेप एवलेट होता गया कंप्यूटर, उसमें हम चार्ल्स बैबेज को आज हम स्टडी करेंगे कि चार्ल्स बैबेज ने 1822 में वर्किंग स्टार्ट की एक कैलकुलेटिंग मशीन के ऊपर, जिसको डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। चार्ल्स बैबेज ने इस मशीन के ऊपर काफ़ी अरसा काम किया, लेकिन बट ही कुड नॉट कंप्लीट इट, वो इसको मुकम्मल नहीं कर सका। ड्यूरिंग वर्किंग लेटर ही केम अप एन आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन। उसको बाद में एक और मशीन एनालिटिकल इंजन का आइडिया आया, जिसने फर्दर उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। विद इन टाइम वर्किंग के साथ इस मशीन के ऊपर वो काम करता रहा, लेकिन ही कुड नॉट कंप्लीट, वो इसको कंप्लीट नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम उस वक्त जो है टेक्नोलॉजी की जो है वो इम्प्रूवमेंट ना होना, एडवांस ना होना, टेक्नोलॉजी एडवांस ना होने की वजह से जो है चार्ल्स बैबेज जो है वो एनालिटिकल इंजन को कंप्लीट नहीं कर सका। तो गो के मशीनरीज जो कंप्यूटर जो चार्ल्स बैबेज जिसने जो मशीन जनरेट की थी, जो मशीन बनाई थी उसने, कंप्लीट ना हो सकी। लेकिन एक मेन कह लें जो बेनिफिट ये हुआ कि उसने लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज का जो आइडिया था, जो चार्ल्स बैबेज ने जो मशीन डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो उससे बनाई, वो कंप्लीट तो ना हो सकी, लेकिन इन दोनों मशीन की वजह से एक नए आइडिया ने जनरेट लिया, एक नया आइडिया जनरेट हुआ, जिसकी बेस पर मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो आगे तैयार हुए। तो स्टूडेंट्स, चार्ल्स बैबेज को जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं।